अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। और आज मैं एक और ब्लॉग ले आई हूँ आपके लिए। इंशाल्लाह आपको ये ब्लॉग भी पसंद आएगा। मेरी रूटीन डेली रूटीन है और इवनिंग तक की है। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं मैं तैयारी कर रही हूँ नाश्ते की। ये दूध पे से मलाई इसलिए उतार रही हूँ क्योंकि ये मलाई इकट्ठी करने के बाद मैं देसी घी बनाती हूँ, और जो देसी घी मैं यूज़ कर रही होती हूँ ना, वो इसी मलाई का बना होता है। तो मैंने दूध ना चूल्हे पर रख दिया है गर्म होने के लिए, क्योंकि बच्चे बस दूध पीते हैं मेरे नाश्ते में और कुछ नहीं खाते। रोटी वगैरह तो बहुत ही कम खाते हैं। तो देखिए मैंने ना चूल्हे के अंदर सैल भी डाल ली है, मुझे अब माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलें जी आगे स्टार्ट करते हैं। आगे मैं क्या करती हूँ और क्या कर रही हूँ वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक कप लिया है और उस कप में मैं बनाने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए ग्रीन टी, जो कि मैं रोज़ मिस कर देती हूँ और वो मुझे डांटते हैं, तो फिर मैं याद रखती हूँ कि हाँ ग्रीन टी देनी है उनको लाजमी। और मैंने ग्रीन टी रेडी कर ली है और मैं लेके जा रही हूँ उनके पास, उनको देती हूँ और उसके बाद और काम करती हूँ। और इसके बाद मैंने ना आटा निकाल लिया फ्रिज से ताकि ये हो जाए ज़रा नरम। और उसके बाद ये लेके आए थे मेरे हस्बैंड मेरे लिए खजूरें, क्योंकि मुझे ज़रा वीकनेस है, तो मैंने बस दो खजूरें ली हैं और मैं इसे किसी डब्बे में डाल के रखूँगी। अभी तो फ़िलहाल शॉपर में ही रख देती हूँ। तो उसके बाद तवा मैंने रख लिया है चूल्हे के ऊपर ताकि वो गर्म हो जाए और मैं जल्दी जल्दी रोटियां बना लूँ। रोटियां तो मैंने 3 से 4 ही बनानी होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनानी होती, पतली सी। और आज मैं बनाऊँगी बल वाला पराठा फर्स्ट टाइम, और देखते हैं कैसे बनता है। जल्दी जल्दी मैंने बनाने हैं पेड़े, क्योंकि पेड़े बना के रखूँगी और जो बच जाएगा आटा उसको वापस फ्रिज में रख दूँगी ताकि ख़राब ना हो। जैसे कि नज़र आ रहे हैं आपको, मैंने पेड़े बना लिए और मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। अगर टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बने तो इग्नोर करना, अगर अच्छी बन जाए तो फिर तारीफ़ भी कर देना, क्योंकि तारीफ़ करेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रोटियां बनेंगी। चलें जी जल्दी जल्दी बनाते हैं पराठा। और एक पराठा बनने जा रहा है और मैंने ना मैं पराठा ऐसे बनाती हूँ कि अब न्यू तरीके से, पहले तो मैं दोनों तरफ से ना पका लेती थी, मतलब क्या कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, बस मैंने ना एक तरफ से ना रखी थी पराठे को और दूसरी तरफ मैंने ना उसके ऊपर लगा दिया था ऑयल, और ये बन गया मज़े का झटपट से पराठा। और दूसरा पराठा मैं बनाने लगी हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं बताऊँगी सोच के कि क्या बात थी कि पराठा कैसे मुझे भी याद नहीं आ रही। और इसके बाद मैं अब बनाऊँगी बल वाला पराठा। ये सारे पराठे हो गए हैं कम्प्लीट और ये है बल वाला पराठा। इसको मैंने रोटी की तरह बना लिया, इसके ऊपर ऑयल लगा लिया, इसके ऊपर मैंने देसी ऑयल नहीं लगाया और ये देसी घी वाला मैंने बनाया भी नहीं है पराठा। तो इसके ऊपर आप मैंने इनको रोल की तरह बना लेना है, और फिर आम रूटीन में सब ऐसे ही बनाते हैं मगर मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और इंशाल्लाह ये भी अच्छा बनेगा और क्रिस्पी, मैं कहती हूँ क्रिस्पी पराठा बने ताकि मुझे अच्छा लगता है। और ये देखिए माशाल्लाह से बन अच्छा गया है, बस ये फैल नहीं रहा था क्योंकि यह है बाज़ार वाला आटा। तो अब बस मैंने इसको नीचे रख के ना शेल्फ पर फिर इसको ना बड़ा किया, माशाल्लाह से अच्छा बन चुका है। और ये देखें ये भी क्रिस्पी बन गया था, मज़े का बना था। और साथ ही साथ मैंने बच्चों के धोने थे फीडर और मैं पानी गर्म रखा था, तो ये मैंने पानी उसमें डाल के फीडर को थोड़े से ना देर रख दिया ताकि ये अच्छे से इसके अंदर से चिकनाहट हट जाए। और साथ ही साथ मैंने चाय भी रख दी थी, मैंने कहा इतने हल्की आंच पे ये रख दूँगी और हम नाश्ता कर लेंगे। और इतनी देर में मैं चाय रखने के बाद मेरे हस्बैंड गए थे चने लेने, क्योंकि सालन नहीं था, तो इसमें मैंने बिस्तर वगैरह आज हम सोए थे बरामदे में क्योंकि सारी रात तो बारिश होती रही है, तो मैंने सारे बिस्तर जो हैं वो क्लोज़ कर लिए हैं और इनको रख के यहाँ से सारी सेटिंग कर ली है, सफाई हो चुकी है। इसके बाद मैं जा रही हूँ किचन में वापस से, और ना काम था कुछ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब धूप निकल आई है और जो इस टाइम मैं आइज़ ओपन कर रही है शाम का टाइम ना, तो इस टाइम बहुत बारिश हुई है और अब थोड़ी सी रुक चुकी है और मुझे लगता है मज़ीद और बारिश होगी। साथ ही साथ ना मैंने चेयर्स वगैरह जो चीज़ें थी वो सारी सेट करके रख ली हैं, और इतने में मेरे हस्बैंड आ चुके थे और बच्चों के लिए ले आए थे ब्रेड। ब्रेड तो आ गई थी बट जैम जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, तो फिर बच्चों को मैंने ना कहा चने से आज रोटी खाएं आप और ना पराठा खाएं मतलब, और साथ में अंडा भी मैंने खुद मंगवाया था कि बॉयल एग लेके आइएगा ताकि मुझे ना अच्छा लगता है चनों में। और साथ ही साथ आज मैंने ना सारा काम कर लिया था, ये मैंने 1 बजे बना रही हूँ, मैं ना फारिक हो चुकी थी 12 बजे, तो 1 घंटा मैंने रेस्ट किया था। उसके बाद मैंने कहा अब बनाना चाहिए कुछ ख़ास, तो मैंने बना रही हूँ मटन बिरयानी। वो अपनी रेसिपी से और झटपट, क्योंकि लाइट नहीं थी और ना
मौसम भी अच्छा था तो मैंने कहा चलिए बिरयानी बनाते हैं, और जैसे भी बनेगी अब देखें कैसे बनती है। साथ साथ मैंने प्याज जो है वो कट कर लिया। आज मैंने कटर यूज़ किया, ये है मेरे जेज का, तो मैंने कहा आज इसको हम ना यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने प्याज कट करके रख लिए हैं और ना टमाटर भी कट कर लिए हैं, साथ ही कुकर में मैंने गोश्त जो है था ना थोड़ा सा प्याज डाल के रख दिया ताकि वो गल जाए, और ना साथ ही मैंने ना फिर ये देखें वासु ने सीटी गल चुका था गोश्त, और गोश्त मैंने निकाल लिया था। जैसे कि मैंने ना फ्राई कर लिए थे प्याज और अदरक लहसुन डालकर और टमाटर वगैरह सब कुछ कर लेके मैंने गोश्त उसमें डाल दिया, और जैसे कि आप देख रहे हैं चावल पक चुके हैं। और फिर से बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी और ये कितनी अच्छा मौसम हुआ हुआ है, और साथ ही साथ में मैंने चावल मेरे रेडी हो गए थे, बस से ना सलाद रायता नहीं था क्योंकि खाली प्याज मुझे अच्छे लगते नहीं है और ना दही थी नहीं मेरे पास, और ये मेरे हस्बैंड इतने में मैंने चावल वगैरह हमने खा लिए थे और बर्तन वगैरह धो के, तो ये सामान लेके आए थे ये सामान मैंने धो के रख दिया, यही था मेरा।